हेलो एवरीवन, आई निकत परवीन खान वेलकम यू ऑल टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। तो पॉलिटी के मेन संग्राम सीरीज के जो वीडियोस चल रहे हैं उस सीरीज का पॉलिटी का ये आखिरी वीडियो है। आप जानते हैं कि पॉलिटी पेपर 3 के पार्ट 2 का एक सेक्शन भर है, इसलिए इसका कवरेज जो है मार्क्स में वो बहुत ज़्यादा नहीं, और इस वजह से हमने तीन ही वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने की कोशिश की, ताकि आप वो जो 30 से 35 मार्क्स हैं, आइडियली तो 25 है, पर मैंने आपको बताया था कि जो 30 से 35 मार्क्स है उसको आसानी से फेच कर सकें। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, तो आप लास्ट वीडियोस जरूर देखें, उसमें जो बाकी के दिगर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। आज का जो वीडियो होगा दिस विल बी द लास्ट फॉर द पॉलिटी वीडियो, और इसमें हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस पर, आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस, दूसरा सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी केंद्र राज्य संबंध, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान विकास। अब सभी जानते हैं मेंस का सिलेबस आपने देख रखा है, ये तीन टॉपिक्स हैं और इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं यूजुअली, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहली बात तो मैंने पहले ही कह दिया है कि एग्जीक्यूटिव और फंडामेंटल राइट ये और फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बाकी यहाँ से भी कभी 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 क्वेश्चंस बनते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन से मैं हमेशा एक्सपेक्ट करती थी कि ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, पर बने नहीं, और मैं एक्सपेक्ट इसलिए करती थी क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जैसे मैंने आपको न्यायपालिका के लिए कहा था कि शायद न्यायपालिका में PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, इस तरह के टॉपिक पर क्वेश्चन बनने चाहिए, पर बने नहीं, उसी तरह से एक टॉपिक ये है केंद्र राज्य संबंध, इसे काफ़ी क्वेश्चन बनने चाहिए, आने चाहिए, पर अभी तक आए नहीं है, होपफुली नियर फ्यूचर में आए, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है जो स्पेसिफिकली मेंस का है। रही बात आपातकाल और संवैधानिक संशोधन की, तो ये जो है प्री और मेंस दोनों का ही टॉपिक है, और जो आपने डिटेल में प्रॉब्लम्स में पढ़ रखा है इसके बारे में उतना ही मेंस में लिखने के लिए भी काफी है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। फाइन, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम आपातकाल वाला जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें, तो ये दो तीन तरह के क्वेश्चंस मैंने फॉर्मेट में आपको लिख करके बताए हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात तो जो तीन तरह की इमरजेंसीज हैं, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, इनको डिफाइन करने के लिए आपको दो मार्क्स में दे सकता है। सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपातकाल पे यही है, व्हाट इज इमरजेंसी, व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी, डिफाइन स्टेट इमरजेंसी और डिफाइन फाइनेंशियल इमरजेंसी। परिभाषा लिखना है बोल दिया, तो एक पैराग्राफ लिखना है आपको ढाई से तीन लाइन का, जिसमें आप चाहे तो इन्वर्टेड कॉमर्स डाल सकते हैं अगर आप डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं, नहीं तो आप अपने से भी समझा सकते हैं। तो अगर परिभाषित करने बोल रहा है तो आप कोशिश करें उसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना करके परिभाषा, जैसे कि हम पैराग्राफ में लिखते हैं वैसा लिखें, और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपातकाल क्या है, तो ये कुछ सेकेंड वाला पॉइंट आप देखिए, प्रशासन में एक ऐसी समय अवधि जब किसी विशेष कारण से कुछ समय के लिए किसी क्षेत्र में संघात्मक ढांचे को स्थगित करके एकात्मक ढांचा लगा दिया जाता है। सो इट इज दैट टाइम पीरियड इन एनी एडमिनिस्ट्रेशन, समय अवधि है जब किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी स्पेसिफिक एरिया में जो फेडरल सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम को सस्पेंड करके यूनिटरी सिस्टम लगा दिया जाता है। ये सिंपलेस्ट एंड द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इमरजेंसी है। अब इसी में नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल में आप उनके रीजंस ऐड करते जाइए, इफेक्ट ऐड करते जाइए। मान के चलिए ऐसा, अगर आपको नेशनल इमरजेंसी के लिए परिभाषा लिखना है, तो प्रशासन में ऐसे समय अवधि जब भारत की सुरक्षा कारण, जैसे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण, यांत्रिक गतिरोध, इनके कारण से किसी विशेष क्षेत्र में या पूरे देश में संघात्मक ढांचे को स्थगित करके एकात्मक ढांचा लगा दिया जाए, तो उसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। तो आपने वहां कारण स्पेसिफाई कर दिया, वैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी करोगे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का कारण स्पेसिफाई कर देना, वैसे ही आप राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी डिफाइन करोगे तो वहां पे कारण स्पेसिफाई कर देना। बाकी हो सब में यही रहा है कि किसी विशेष फील्ड में फेडरल सिस्टम सस्पेंड होकर यूनिटरी सिस्टम हो जा रहा है, और आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपने नेशनल इमरजेंसी लिखा तो आप ये वाली लाइन को ऐड कर सकते हैं कि इस आपातकाल में राज्य सरकारों का जो है वो महत्व समाप्त हो जाता है, ना कि अस्तित्व। देखो नॉर्मली इमरजेंसी में राज्य सरकारों का या तो अस्तित्व समाप्त होता है या महत्व, लेकिन अगर आप खास तौर पर कोई इमरजेंसी लिख रहे हैं जैसे नेशनल इमरजेंसी बता रहे हैं, तो आप बताएंगे उसका महत्व समाप्त हो जाता है पर अस्तित्व नहीं, राज्य सरकारें रहती हैं। वहीं अगर आप स्टेट इमरजेंसी के बारे में लिख रहे हैं तो आप ये वाला पॉइंट ऐसा कर देंगे कि राज्य आपातकाल में राज्य सरकारों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो ये जो है जनरलाइज बातें
जिसको आप जनरल डेफिनेशन में लिख सकते हो, इसी में फिल्टर करके नेशनल, स्टेट और आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन 2 से 4 मार्क्स का आ सकता है। तो अगर 2 मार्क्स का है तो परिभाषा में ही एक पैराग्राफ में कंप्लीट कर लें, 4 मार्क्स का आया तो परिभाषा के साथ 1-2 पॉइंट्स लिख दें। जैसे आपातकाल जो है संविधान का एक तरह का यूनिटरी फीचर है, यानी कि एकात्मक तत्व है, इस तरह की कुछ बातें आप 1-2 पॉइंट ऐड करके 4 मार्क्स में खींच सकते हैं। 2 मार्क्स का है तो डेफिनेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो था, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग भारत में कितने बार किया गया है, ऐसा भी आपका 2 मार्क्स का फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 मार्क्स में मैंने कहा तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो परिभाषा आएगा या तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आपको भारत में राष्ट्रीय आपातकाल या भारत में राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ तथ्यात्मक पहलू भी पूछ सकता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर आप देखें तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, और ये फैक्चुअली आपको पूछ रहा है कि कितने बार लगा है, तो आपको यहाँ पर से बता देना है कि 3 बार लगा है, 1962, 1971, 1975। तीनों के वक्त कारण क्या था यह बता देंगे कि 1962 में साइनो इंडिया वॉर था, 1971 में भारत पाकिस्तान वॉर था, और 1975 में आंतरिक गतिरोध यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपातकाल लगा था। आप चाहें तो राष्ट्रपति का नाम उल्लेख कर सकते हैं, पर उनको मेनली ये 3 ईयर चाहिए उस क्वेश्चन में, और ईयर के साथ साथ अगर आप कारण बता दे तो बेहतर है, पूरे 2 मार्क्स आपके, ठीक है। ऐसे ही आपके जो राष्ट्रपति शासन है उसके बारे में कुछ एक्चुअल चीजें हैं कि कहां कहां राष्ट्रपति शासन अभी नहीं लगा है, सर्वाधिक बार कहां लगा है, प्रथम बार कहां लगा है, ऐसे टाइप की चीजें जो अपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ी है वो 2 मार्क्स के लिए आ सकती है, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन आपका था कि राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के बीच तुलना करें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि नेशनल और स्टेट इमरजेंसी के बीच में आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने के लिए बोल सकता है। तो जैसे अभी आप देख रहे थे कि मैंने उसी फॉर्मेट में यहाँ पर ये स्लाइड बनाई है, आपने पूरा नेशनल इमरजेंसी पढ़ा है, आपने पूरा राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन पढ़ा है। अब आपने देखा है कि दोनों ही आपातकाल तो हैं, लेकिन सबके कारण अलग हैं, प्रभाव अलग हैं। तो कारण प्रभाव को आप एक डिफरेंस लाइन खींचिए और इस तरह से अलग कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में, राज्य आपातकाल का उल्लेख 356 में। पहला पॉइंट आएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में, देश के किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन विशेषकर एक राज्य विशेष में लगता है। तो क्षेत्र जो है जिस पर दोनों लगाया जा सकता है वो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा, इसके 3 अलग कारण हैं, इट इज ईदर वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ठीक है, ये 3 कारण। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये इसका कारण है। उसी तरह से मैंने अभी आपको बताया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सरकारों का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, पर महत्व समाप्त हो जाता है, इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाता है, एग्जिस्टेंस नहीं। लेकिन यहां पर जैसे ही कहीं किसी स्टेट में आपका स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य सरकारों का ना केवल महत्व, अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं संसदीय अनुमोदन की बात करूं तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये आ जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को संसदीय अनुमोदन यानी पार्लियामेंट का अप्रूवल राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद 1 माह के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, और आप ये भी जानते हैं कि राज्य आपातकाल के लिए अनुमोदन 2 माह के भीतर मिल जाना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि दोनों सदनों से मिलना चाहिए, और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए जो अनुमोदन मिलेगा वो आप सभी जानते हैं कि विशेष बहुमत से मिलेगा, और राज्य आपातकाल के लिए जो मिलेगा वो साधारण बहुमत से मिलेगा। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, मैंने एग्जाम्पल देने के लिए ये फॉर्मेट बताया है आपको। ये क्वेश्चन 4, 8 और 10 तीनों ही तरह के फॉर्मेट में पूछ सकता है, क्योंकि इसके अलावा भी देर आर मेनी मेनी पॉइंट्स, आई विल प्रोवाइड ऑल दीज पॉइंट्स इन योर PDF, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अकॉर्डिंगली आप इसको, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 6 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 8 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 8 और 10 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें 2-2 कम लिख करके 1-2 लाइन में इंट्रोड्यूस कर दो तो उसके बाद भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, और आपके पास पूरे पूरे पॉइंट्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 मार्क्स इस तुलना वाले क्वेश्चन में बस पूरे 10 पॉइंट्स हैं, तो येस, विदाउट लाइटिंग एनी इंट्रोडक्टरी लाइन पूरे 10 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस या कंपैरिजन लिख दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। That is it. इस तरह के इंडिविजुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें इधर उधर के नहीं। तो आपने देखा होगा जो आपने पढ़ा प्रीलिम्स में उन्हीं को आपको लिखना है, और कोई बहुत ज्यादा बात नहीं। इसका कोई भी छोटा सा पहलू उठाकर पूछ देता है, जैसे कि 2 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 358
और 359 में डिफरेंस बताइए। ये क्वेश्चन आपका 2 या 4 मार्क्स में आ सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि 358 और 359 में जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है तो उसके बारे में दिया गया है। 358 में ये बताया गया है कि कैसे आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है। वहीं 359 में ये बताया गया है कि कैसे राष्ट्रपति के आदेश अनुसार बाकी के मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है जब नेशनल इमरजेंसी घोषित होती है। तो इस तरह से यू वेरी वेल नो दैट देर आर लाइक 5 to 6 पॉइंट्स जो कि आपके 358 और 359 के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और जहां पर भी इस तरह का कंटेंट है वो क्वेश्चन में तब्दील होकर के आ सकता है। तो ये क्वेश्चन 2, 4 या इवन 8 मार्क्स में पूछ सकता है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित ये दोनों आर्टिकलों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अंदर से निकल के आते हैं। आपने ये जो मेजर टॉपिक पढ़ा ना, नेशनल और स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, इसी के अंदर के छोटे छोटे क्वेश्चन 2 या 4 मार्क्स में आपका पूछ सकता है। ठीक, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो था सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, एज आई टोल्ड यू, इट इज अ कोर मेन्स टॉपिक, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं। इसने पॉलिटी के सेक्शन को इजी रखने के लिए ऐसा किया कि जो प्रिलिम्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते हैं जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर आपका मौलिक अधिकार, उन्हीं को मेंस में देने लगा। वरना ये कोर मेंस टॉपिक होने की वजह से यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने चाहिए थे। फिर भी अगर आते हैं तो उसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो कुछ भी विवरण है वो संविधान के भाग 11 और भाग 12 में। अगर मैं केंद्र और राज्य के संबंधों की बात करूं तो 3 मेन तरह के संबंध होते हैं। एक होता है आपका सेंटर और स्टेट का लेजिस्लेटिव रिलेशन, सेंटर और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और सेंटर और स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक, इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत संघीय है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, तो जाहिर सी बात है सेंटर और स्टेट के बीच में किसी न किसी तरह का रिलेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और इसी चीज के ऊपर रोशनी डालता है संविधान का भाग 11 और फाइनेंशियल रिलेशन से संबंधित भाग 12। तो बस 11 और 12 में जो आर्टिकल्स हैं उन्हीं के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। आपकी कोई भी बुक, आप कोको की नोट्स रेफर करते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक रेफर करते हैं, तो चैप्टर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कभी क्वेश्चन आता तो उसे बाहर नहीं आएगा। तो पार्ट 11 में आपके लेजिस्लेटिव रिलेशन है 245 से 255 के बीच में, और पार्ट 11 में ही प्रशासनिक संबंध भी है 56 से 63 के बीच में। और वहीं पार्ट 12 की अगर मैं बात करूं तो उसमें सेंटर और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन दिए हुए हैं 260 से 293 के बीच में। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दीजिए, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का विवरण दीजिए और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का विवरण दीजिए। तो ऐसा एक तो बड़ा क्वेश्चन आपका 8 से 10 मार्क्स का आ सकता है। अगर ऐसा आया तो कुछ भी नहीं करना है आपको, आपके बकायदा पॉइंट्स दिए हुए हैं, लक्ष्मीकांत की बुक में भी दिए हुए हैं, हर बुक में कोको की बुक में भी आप देखेंगे तो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किन किन मदों पर आपको ये संबंधों को समझाना है। उन साइड हेडिंग्स को बस समझ लीजिए, अंदर के डिस्क्रिप्शन को शॉर्टन कर दीजिए, साइड हेडिंग से आपको मेनली मतलब रखना है। तो देखिए, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में ये 5-6 तरह के संबंध है। कार्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में कैसे कार्यों का बंटवारा किया गया है इसके बारे में विवरण है। राज्य एवं केंद्र के दायित्व, सेंटर के पास क्या क्या काम है, स्टेट के पास क्या क्या काम है, ये इसमें दिया गया है। राज्यों को केंद्र के निर्देश, क्योंकि इंडिया एक ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर ज्यादा पावरफुल है, तो कई मामलों में केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देती है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको बुक में मिल जाएगा। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ वर्क्स, ये भी आपने पढ़ा होगा। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अपना काम करने के लिए कहती है, कभी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अपना काम कहने के लिए कहती है, बट यहाँ पर फर्क यह आ जाता है कि सेंटर जब स्टेट को कहती है तो स्टेट को करना ही पड़ता है, स्टेट जब सेंटर के लिए कहती है तो सेंटर डिनाई कर सकती है। इस तरह की कुछ बातें इसमें दी गई जो आपको लिखना है। केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग, किन किन मामलों में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं कोऑपरेशन के साथ काम कर रही हैं, वो इसमें आएगा। देयर इज अ ह्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, लेकिन आपकी ये मेन साइड हेडिंग्स होनी चाहिए ना, अकॉर्डिंगली आपको इसको इलैबोरेट करना है। ठीक है, अगर ये मान के चलिए सिर्फ 4 मार्क्स का है तो आप सिर्फ पॉइंट्स क्लिक करके आप छोड़ सकते हैं, पर ये 8 और 10 मार्क्स का तो एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अखिल भारतीय सेवाएं में कहीं ना कहीं सेंटर जो है स्टेट की मदद कर रहा है कि स्टेट की सेवाओं में मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं वो आकर के कार्य करें ताकि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके।
सके, यही अखिल भारतीय सेवाओं का मेन उद्देश्य है, जहाँ सेंटर स्टेट की मदद कर रहा है। तो ये 5-6 मदों में आपके सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध समझाए गए हैं। आपको यही साइड हेडिंग याद रखनी है और एक आध लाइन में एक्सप्लेनेशन याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखो कुछ बने बनाए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून क्या है, व्हाट इज द एडिशनल रीजनल लॉ, वो 2 मार्क्स का आ सकता है। तो भाई अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून संसद के कानूनों को संदर्भित करते हैं जो भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। अकेले संसद को अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। कोई भी एडिशनल लॉ होता है तो हम जानते हैं कि वो पार्लियामेंट ही बनाता है, वो इंडिया और इंडिया से बाहर रहने वाले सिटीजन्स और उनकी प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है, और पार्लियामेंट के अलावा किसी और को अथॉरिटी नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें कि ये सेंटर का काम है कि स्टेट का काम है, ऐसे खोद कर आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। जैसे कि आर्टिकल 262 भी आपसे पूछ सकता है। तो 262 भी जो है आप सभी जानते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित है, इसके बारे में आपको लिखने बोल सकता है। तो कुछ नहीं, आप 2 पॉइंट उठा करके लिख दें कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये क्यों बनाया गया। तो इंटर 262 के अंदर राज्य जल विवादों के स्थगन के लिए प्रावधान है। इसमें 2 प्रावधान दिए गए, अंतर्राज्यीय नदियों के लिए विवादित विवाद को संसद प्रदान कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय और ना ही किसी अदालत ने अंतर्राज्य नदी के मुद्दों से संबंधित क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति की है, ठीक है। तो इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसके बाद बनी, पहले ये जल विवाद जो वाला सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है यहां पर 262 में डील किया गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद 4 अंक का एक क्वेश्चन आ सकता है, केंद्रीय स्रोतों से राज्यों को सहायता में अनुदान से संबंधित प्रावधान का वर्णन कीजिए। तो आप सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन में एक पॉइंट पढ़ते हैं कि सेंटर अलग अलग तरीकों से स्टेट को जरूरत पड़ने पर ग्रांट्स देता है, ठीक है। एक होता है आपका स्टेच्यूटरी ग्रांट और एक होता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। लास्ट टू लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में इनके आर्टिकल भी पूछा था आपका, याद रखिएगा। तो एक है आपका आर्टिकल 275 और एक है आपका आर्टिकल 282, ठीक है। तो जो विवेकाधीन अनुदान है जिसको मैंने इंग्लिश में डिस्क्रिशनरी ग्रांट बोला है वो 282 में था, और जो स्टेच्यूटरी ग्रांट है जिसको मैंने 270 जिसको मैंने इंग्लिश में कहा है स्टेच्यूटरी ग्रांट, वो 275 में है। तो स्टेच्यूटरी ग्रांट वो होता है जो वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पर केंद्र राज्य को देता है, और विवेकाधीन ग्रांट वो होता है ना डिस्क्रिशनरी ग्रांट वो होता है जो आपकी नीति आयोग या पहले प्लानिंग कमीशन के कहने पर सेंटर स्टेट को देता था, ठीक है। तो 275 और 282 के तहत सेंटर स्टेट को वित्तीय मदद करता है, इन दोनों को कभी भी 2 या 4 मार्क्स में आपका पूछ सकता है, क्लियर, ओके। उसके बाद आपसे क्वेश्चन जोनल काउंसिल पर भी आ सकता है। जोनल काउंसिल इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी, जोनल काउंसिल बनाई गई थी, और उसके बाद फिर बहुत सारे इसके फीचर्स आए थे, ठीक है। तो देखिए आंचलिक परिषद जो है वैधानिक निकाय है, ये 1956 की वैधानिक क्यों है, संवैधानिक नहीं है, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बने थे, इसलिए ये सांविधिक निकाय है या वैधानिक निकाय है पर संवैधानिक नहीं है। दीज आर इधर स्टेच्यूटरी और लीगल बॉडीज बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। ये 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बने थे, ठीक है, और इनके अधीन निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो कुछ नहीं है, इसकी संरचना पूछना है, पूछा है आपको इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जोनल काउंसिल का जो हेड होता है वो यूनियन होम मिनिस्टर होता है, और बाकी सारे मेंबर्स को आपको पॉइंट्स में लिख देना है। आपको इसमें भी पॉइंट्स में आंसर करना है, डिफाइन करिए, आर्टिकल बताइए और संरचना बता दीजिए, पूरे 4 मार्क्स आपके, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट 10 मार्क्स क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बोला केंद्र राज्य संबंधों में से कोई भी एक सेक्शन को उठा करके आपका 8 और 10 मार्क्स में इलैबोरेट कर सकता है। तो देखिए केंद्र राज्य विधायी संबंधों में एक ऐसा सब पार्ट है जिसमें यह बताया गया है कि कई ऐसे मौके होते हैं जब केंद्र जो कि संसद है वो राज्य के लिए कानून बनाती है। हमारे यहाँ एक ऐसा फेडरलिज्म है जिसमें सेंटर ज्यादा पावरफुल है, सेंटर की ओर झुकाव ज्यादा है, क्वाजी फेडरल है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो कई ऐसे मौके होते हैं जब संसद जो है राज्य के लिए कानून बनाती है, तो वो कौन कौन से ऐसे मौके हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा है। तो देखिए आप सभी जानते हैं, 2-4 तो मैं यही गिना दूं, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। मान के चलिए अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो संसद वहां के लिए कानून बनाएगी। नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो संसद किसी राज्य के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। मान के चलिए अगर सेंटर में राज्यसभा में एक विधेयक पारित हो जाता है, राज्यसभा में एक संकल्प पारित हो जाता है कि इस राज्य की राजसूची पर हम कानून बनाएंगे, तो अगले 1 साल तक के वहां पर इसी तरह से कानून सेंटर ही बनाएगी। अगर राज्य सेंटर से अनुरोध करता है कि आप हमारे लिए कानून बना करके दीजिए,
तो फिर सेंटर कानून बनाएगी। ठीक है, तो जैसे राज्यसभा ने घोषणा करी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, राज्य प्रस्ताव पारित करता है, तो ऐसे 5-6 कंडीशन है जिसके जरिए सेंटर के पास पावर हो जाता है कि वो स्टेट के लिए कानून बना सकता है। उसी को पूछा ये क्वेश्चन 4, 8 और 10 मार्क्स में पूछ सकता है, कुछ नहीं पॉइंट्स में आंसर लिखना है। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। ओके, उसके बाद अगला जो आपका सेक्शन है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान का संशोधन। ठीक है, ओके एक सेकेंड ना, तो संविधान का संशोधन जो है वो एक बहुत ज्यादा फैक्चुअल सेक्शन है। उसमें 2-3 तरह के मेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। एक तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, उसके बाद संविधान के संशोधन के टाइप्स जो ऑलरेडी पूछ चुका है आपका, PYQ उठा करके देख लीजिए कि कितने टाइप के आपके अमेंडमेंट होते हैं। और तीसरा जो है आपका, कोई भी संशोधन को 2, 4, 8 या 10 मार्क्स में उठाकर आपसे पूछ सकता है। उसी के कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट वाले संशोधन है जो थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं वो 61, 86, 42, 54, 70, 73, 74 ये वाले मेन संशोधन है जिसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलिए कोई भी संशोधन पूछता है तो आप उनके जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़े हैं, जैसे 42 अमेंडमेंट में आप सभी जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 नई DPSP आई, उसके अलावा केंद्र और राज्य सूची में कुछ जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनको ट्रांसफर किया गया। ये 4-5 हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी पूछ सकता है कि 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा कि 42वें संवैधानिक संशोधन में इतने सारे बदलाव हुए थे कि ऐसा लगा कि मानो एक नया संविधान यानी एक नियम की किताब ही छोटी सी उठा करके आपने संविधान में जोड़ दी, इस वजह से इसे लघु संविधान कहा जाता, मीनिंग आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें अमेंडमेंट को। आपने रीजन बता दिया और फिर उदाहरण के तौर पर फिर आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, फिर ये 4-5 पॉइंट्स उठाकर लिख देंगे। तो क्वेश्चन की जैसे डिमांड है वैसा लिखना है। अगर आपको सीधा सीधा प्रावधान लिखने बोले तो प्रावधान उठाकर लिखिए, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने बोले कि व्हाई इट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले डेफिनेशन या कारण बताइए फिर आप पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, आप अपने साथ में इस हिसाब से इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने सबसे हाईलाइटेड वाले पॉइंट्स ऐड किए। उसी तरह से 44th अमेंडमेंट जहां पे लिखा हुआ है, 44th अमेंडमेंट भी आपसे पूछ सकता है, 42nd, 44th, तो आपके बड़े मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, मतलब ये आपका 4, 8, 10 में पूछे जा सकते हैं। बाकी सबकी चांसेस ज्यादा 2 मार्क्स में, 61st अमेंडमेंट 2 मार्क्स में, 91st अमेंडमेंट 2 मार्क्स में, पर ये 42, 44, ठीक है, 73, 74 ये ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो 4, 8 और 10 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। अगला है आपका, मैंने कहा था प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 368 में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन 4 से 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था, तो आपको वो स्पेसिफिक बातें, जैसे आप मनी बिल और फाइनेंस बिल को पास करने के लिए स्पेसिफिक बातें बताते हैं, वही स्पेसिफिक बातें यहाँ पर बतानी है कि जैसे कि संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत ये प्रक्रिया दी गई है। तो दूसरी चीज ये है कि इस जो बिल है इसको कोई भी प्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो निजी सदस्य हो। निजी सदस्य वो होते हैं जिनके पास कोई मंत्री पद नहीं होता। अगली बात यह है कि संवैधानिक संशोधन का जो बिल है उसको प्रेजेंट करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति की या रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा जो आपका संशोधन होता है वो मेनली 2 तरीके से पास होता है, एक तो संसद में 2/3 बहुमत से, और आपका ऐसे संशोधन जो कि फेडरल होते हैं, फेडरल वाले संशोधन जो है उसमें राज्यों की भी सहमति चाहिए रहती, कम से कम आधे राज्यों की सहमति, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ 3 टाइम्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक्चुअली टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 तरह के होते हैं, एक सिंपल मेजोरिटी वाले भी होते हैं, एक 2/3 बहुमत वाले भी होते हैं, और एक वो भी होते हैं जिसमें राज्यों की भी सहमति चाहिए होती है। पर 368 के तहत सिंपल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट कवर नहीं होते। आई रिपीट, 368 की प्रक्रिया के तहत साधारण बहुमत से जो भी चीजें बदलती हैं हमारे संविधान में वो कवर नहीं होती हैं। तो जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ना, डिफाइन द टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी या टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में आपको यही 3 लिखना है, वो अमेंडमेंट जो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, वो अमेंडमेंट जो 2/3 मेजॉरिटी से होता है, और वो अमेंडमेंट जो 2/3 मेजॉरिटी के अलावा राज्यों की सहमति से भी होता है। ठीक है, वो टाइप्स में आ जाएगा, लेकिन इसमें आप सिर्फ 2 ही लिखिएगा, 3 नहीं। उसके अलावा आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अगर लोकसभा राज्यसभा में वो बिल पारित नहीं हुआ, एक जगह पारित हुआ एक जगह नहीं पारित हुआ, तो ज्वाइंट सेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। उसके अलावा ये भी आप जानते ही हैं कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव द
एसेंट टू द बिल, ठीक है, 24th अमेंडमेंट के जरिए प्रेसिडेंट को लिए कंपल्सरी कर दिया गया था कि वो संवैधानिक संशोधन का जो विधेयक है उसके लिए अपनी अनुमति को सुरक्षित नहीं रख सकता, उसे अनुमति देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं, प्रक्रिया पूछी जा सकती है। प्रक्रिया लिख रहे हैं तो अगेन पॉइंट्स में लिखें, मोर द पॉइंट्स बेटर योर आंसर, बेटर योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने लिखा था और ये किसी के लिए भी आ सकता है, वो है आलोचना या आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना, वैसे ही संवैधानिक संशोधन की आलोचना, मौलिक अधिकारों की आलोचना, ये हर एक संवैधानिक प्रावधान की आलोचना आपकी बुक में दी गई है। पिछले कुछ सालों से हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे नहीं, बट हमेशा से थ्योरी में ये रिलेवेंट क्वेश्चंस रहे। यूपीएससी यूजुअली पूछता है, पीएससी ने अभी उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, बट इन केस आलोचना लिखने आ जाता है तो आपको सब हेडिंग्स दी हुई हैं बुक्स में, उनको उठाइए और सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव बातें जो कही गई हैं उसे लिख लीजिए। जैसे कि अगर मैं संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की बात करती हूँ तो इन 6-7 पॉइंट्स में आलोचना की गई है। पहला ये कि संविधान के संशोधन के लिए कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं बनाई गई है। संसद जो कि विधायी प्रक्रिया का काम करती है, जो विधान बनाने का, कानून बनाने का काम करती है, उसी को बोल दिया तुम संविधान में संशोधन भी करो, अलग से कोई बॉडी बनानी चाहिए थी जो कि नहीं बनाई गई। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर के नॉट इनिशिएट अमेंडमेंट बिल। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है, तो जाहिर सी बात है कि राज्यों के पास भी पावर होना चाहिए कि वो अमेंडमेंट की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सके, लेकिन ऐसा कोई पावर स्टेट के पास नहीं है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं, ये भी एक आलोचना है। तीसरी, पार्लियामेंट अलोन कैन अमेंड मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल एक यूनिटरी बॉडी के जैसे काम कर सकती है, स्टेट का कोई से नहीं, दूसरे जितने भी आपकी इकाइयां उनके पास कोई पावर नहीं है, अकेले संविधान का मान के चलिए पूरा पूरा अधिकार संसद के पास है, ऐसा दिखाई पड़ता है। उसके अलावा नो टाइम लिमिट फॉर स्टेट्स टू रेटिफाई अमेंडमेंट बिल। आपको मैंने कहा था कि कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिनमें केंद्र में सहमति के अलावा कम से कम आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो जब कोई बिल सेंटर के बाद स्टेट में जाता है कि कम से कम आधे राज्य सहमति दे दे, जैसे जीएसटी बिल पास हुआ था आपका, है ना, 101st अमेंडमेंट के जरिए जब जीएसटी आया था, तो आप जानते हैं कि सेंटर में वो अमेंडमेंट पास हो जाने के बाद जब तक के आधे राज्यों ने सहमति नहीं दी तब तक कि वो अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो जब राज्यों को दिया जाता है, राज्य विधानसभाओं के पास वो बिल जाता है, तो ये कोई टाइम लिमिट नहीं बांधी जाती कि आपको इतने महीने के अंदर, इतने साल के अंदर हमको रेटिफाई करके देना है। राज्य अपने हिसाब से उसको डिले कर सकते हैं और ऐसे में लेजिस्लेशन डिले होता है, ये एक क्रिटिसिज्म है। कोई जॉइंट सेशन नहीं, तो कई बार क्या होता है डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक सदन ने अगर ना मंजूर कर दिया संविधान संशोधन को और वो जरूरी लग रहा है या गैर जरूरी लग रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि देयर शुड बी अ सॉल्यूशन टू इट इफ नॉट जॉइंट सेशन। उसके अलावा प्रोसेस इज सिमिलर टू लेजिस्लेटिव प्रोसेस, भाई संविधान की किताब को बदलना और नया कानून बनाना, दोनों की प्रक्रिया तो कम से कम अलग रखो, पर आप देखते हैं कि संविधान की किताब को बदलना यानी संशोधन का जो प्रोसेस है वो भी वैसा ही है जैसे कोई बिल को पारित करके कोई कानून बनाया जाता है कि लोकसभा में आएगा फिर राज्यसभा में जाएगा या वाइस वर्सा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, साइन करेगा और हो जाएगा। तो प्रक्रिया तो बदलो, चलो संसद करिए समझ में भी आता है, आपने एक अलग इकाई भी नहीं बनाई ना ही आपने प्रक्रिया अलग रखी, जैसे नया कानून बनता है वैसे संविधान का संशोधन भी हो जाता है, तो एटलीस्ट जो प्रक्रिया है वो तो अलग होनी चाहिए। इस तरह से विशेषज्ञों ने संविधान संशोधन को कई पैमानों पर, कई मदों पर क्रिटिसाइज किया है। आपको सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो क्रिटिसाइज करने बोल सकता है, क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए बोल सकता है। क्रिटिकल एनालिसिस में लास्ट में सिर्फ एक कंक्लूजन पैराग्राफ आप डाल देंगे, क्रिटिसाइज करने बोलेगा तो सिर्फ पॉइंट्स लिख देंगे क्रिटिसिज्म के, और ये चीज आपातकाल के लिए, मौलिक अधिकार के लिए, मौलिक कर्तव्य के लिए, डीपीएसपी के लिए, ऐसे सभी के लिए, संविधान के लिए, संविधान निर्मात्री सभा के लिए, ऐसे जितने भी टॉपिक्स आपके मेंस में मेंशन है सबके लिए क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चन बनते हैं। पूछ नहीं रहा है पीएससी पिछले कुछ सालों से, लेकिन यस क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होते हैं, वो कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, सो दैट इज इट। मेरे ख्याल से इतनी ही चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, है ना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जितना आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है पॉलिटी उतना आपके मेंस के लिए काफी है। तो आपने देखा भी होगा कि यू ओनली गॉट टू नो फ्यू न्यू थिंग्स, बाकी आपने प्रीलिम्स में इससे डेप्थ में और इससे ज्यादा वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पढ़े हैं। उतना जो आपने पढ़ा है उसी को थोड़ा लिखना जान लो, प्रेजेंटेशन स्किल सुधार लो, प्रेजेंटेशन स्किल सुधर जाएगी तो पॉलिटी में मार्क्स मिल जाएंगे। पॉलिटी में मार्क्स कम मिल रहे हैं, मैं अभी आपको बता रही हूँ इस चीज को, लास्ट 2 साल के ट्रेंड को आप अगर फॉलो करेंगे तो भी आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि भाई पॉलिटी में मार्क्स कम मिल रहे हैं। तो मैं कैसे मार्क्स ज्यादा कैच करूँ,
फेच करूं उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन सुधारना पड़ेगा, फ्लो चार्ट ड्रॉ करो, पॉइंट्स बनाओ ज्यादा ज्यादा, पैराग्राफ पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करो, यही इसका मूल मंत्र है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आंसर राइटिंग टेक्निक की पॉलिटी के आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने कोशिश की कि आपके साथ मैं डील और डिस्कस कर सकूं, एंड आई होप ये तीनों ही जो लेक्चर्स हैं ये आपको मेंस में जरूर बेनिफिट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।